हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसीज के बारे में कि जिस डिसीज से हमारे देश में 50% यानी देश की पूरी आधी आबादी जो है वो उस डिसीज से सफर कर रही है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पाइल्स यानी कि हेमरॉइड्स के बारे में, जिसे आयुर्वेद में अर्श कहा जाता है और हमारी भाषा में इसे बवासीर कहते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों कि अर्श यानी कि पाइल्स होने के क्या क्या कारण है, पाइल्स के रोगियों में क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं और आयुर्वेद में पाइल्स की क्या चिकित्सा अवेलेबल है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। आयुर्वेद के अनुसार पाइल्स होने के लिए सबसे पहले अजीर्ण होता है। अजीर्ण का मतलब होता है इनडाइजेशन। जब डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है और इनडाइजेशन होता है तब वायु पित्त और कफ तीनों दोषों का इम्बेलेंस होता है और एक पेनफुल कंडीशन निर्माण होती है। इस पेनफुल कंडीशन की जो स्टार्टिंग है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से होती है। खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट ना होने की वजह से कब्ज होने लगती है। कब्ज होने की वजह से जो प्रेशर है वो एनल कैनल पे यानी कि मोशन का जो लास्ट पार्ट है एनल कैनल, वहां पे इसका प्रेशर होता है। एनल कैनल पे प्रेशर होने की वजह से वहां पे जो ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स है वो फूल जाती है और हेमरॉइड्स का निर्माण होता है जिसे हम पाइल्स कहते हैं। यानी कि आयुर्वेद के मुताबिक सबसे पहले इनडाइजेशन होता है, इनडाइजेशन के बाद अतिसार का रोग होता है, फिर ग्रहणी रोग होता है और लास्ट में अर्श नाम का रोग होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं आयुर्वेद के हिसाब से पाइल्स होने के क्या क्या कारण होते हैं। पाइल्स होने का सबसे पहला कारण इररेगुलर लाइफस्टाइल, यानी हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इररेगुलर होती है। सोना उठना खाना पीना हमारा समय पे नहीं होता है, ये पहला रीजन है। दूसरा, ज्यादा नॉनवेज का इंटेक करना या लंबे समय तक कब्ज रहना, ये दूसरा एक कारण है। उसके अलावा लंबे समय तक तीखी चीजें, सूखी चीजें, बहुत ठंडा खाना, अगले दिन का बासी खाना, बहुत लाइट खाने का ज्यादा, जैसे वेफर चिप्स कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत स्पाइसी खाने का सेवन, बहुत ऑयली या तो फ्राई फूड का ज्यादातर सेवन करने की वजह से पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जो लोग लेस फाइबर वाला खाना खाते हैं, जिनके खाने में फाइबर की कमी होती है, वैसे लोगों को पाइल्स होने के चांसेस नॉर्मल लोगों की कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। जिन लोगों का सिटिंग जॉब है, पूरा दिन बैठे बैठे काम करते हैं, जो लोग दिन में सोते हैं, जिन लोगों का इररेगुलर बोवेल मूवमेंट है यानी कि कभी उनको कब्ज हो जाती है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, जिनका बोवेल मूवमेंट सही नहीं है, ऐसे लोगों को पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ ओल्ड एज में, एजिंग में भी पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को एनल एरिया में ज्यादा प्रेशर होने की वजह से प्रेगनेंसी के बाद भी पाइल्स होने के चांस बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा पेशेंट देखे जाते हैं कि जिनको प्रेगनेंसी के बाद पाइल्स हो जाते हैं। हॉर्स कैमल ऐसे प्राणियों की लंबे समय तक सवारी करना या तो टू व्हीलर को बहुत ज्यादा और बहुत लॉन्ग चलाने से, ज्यादा राइडिंग करने से भी पाइल्स होते हुए देखे जाते हैं। जो लोग रेगुलर अल्कोहल का सेवन करते हैं उन लोगों को पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग प्रोलोंग फास्टिंग करते हैं, ज्यादा लंबे समय तक भूखे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, उन लोगों को पाइल्स हो सकते हैं। जो लोगों को एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग करते हैं या एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, वैसे लोगों को, जो लोग हॉट क्लाइमेट में यानी कि जो प्रदेश का वातावरण बहुत गर्म होता है, जहां पे रेगुलर गर्मी रहती है, उसकी वजह से भी पाइल्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। और कुछ लोगों को पाइल्स का प्रॉब्लम जेनेटिकल होता है, मतलब कि उनको आनुवंशिक ये प्रॉब्लम होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि पाइल्स के रोगी को क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पाइल्स के रोगी को मुख्य तीन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहला पेन, दूसरा बर्निंग और तीसरा ब्लीडिंग। पाइल्स के पेशेंट में ज्यादातर पेन देखा जाता है, एनल कैनल के एरिया में बर्निंग और अंत में ब्लीडिंग भी देखा जाता है। ज्यादा क्रोनिक केस होने के बाद इसमें थकान का महसूस होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से थकान महसूस होती है। कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है, डेबिलिटी देखी जाती है पेशेंट में, और टायर्डनेस, पैरों में थकान, हाथ पैरों में थकान देखी जाती है, और मल जो है उनको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में मल त्याग करने जाना पड़ता है। दोस्तों पाइल्स के पेशेंट में
क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखे जाते हैं वो हम देखते हैं। पाइल्स के पेशेंट जो है उसमें अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, जब हमारे क्लिनिक में पाइल्स के पेशेंट्स आते हैं तो उन लोगों को बहुत ज्यादा गैस की शिकायत होती है, और जब हम पाइल्स को क्लिनिकली ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक छोटे से पीस के दाने से लेकर एक खजूर के दाने तक का बड़ा भी हो सकता है। हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स जो है उसके चार ग्रेड होते हैं। सबसे पहला ग्रेड जब इंटरनल पाइल्स फर्स्ट ग्रेड में होता है तो नॉर्मल पेन का एहसास होता है। जब पाइल्स दूसरे ग्रेड में जाते हैं तो पाइल्स जो है वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और मोशन करने के बाद पाइल्स बाहर आते हैं, मोशन करने के बाद अपने आप अंदर चले जाते हैं। ग्रेड थ्री में जब पेशेंट पहुंचता है तो पाइल्स जो है वो मोशन करते वक्त बाहर आ जाते हैं, उसके बाद उसको हाथों से अंदर डालना पड़ता है, और ग्रेड फोर में पाइल्स कंटिन्यूस बाहर ही लटकते रहते हैं, वो अंदर वापस नहीं जाते हैं। तो ये मैंने आपको चार ग्रेड बताए इंटरनल पाइल्स के। अब आपको मैं बताता हूं कुछ ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडीज के जिनका सेवन करने से आप अपने पाइल्स को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपने मूली का नाम सुना होगा रेडिश, रो रेडिश यानी कि कच्ची मूली जो है उसका अर्ली मॉर्निंग में सेवन करने से कंटिन्यूस 4 से 6 हफ्तों तक कच्ची मूली का भूखे पेट सुबह में अर्ली मॉर्निंग में सेवन करने से पाइल्स के रोगी अपने रोग से जल्द निजात हासिल कर सकते हैं। दूसरी होम रेमेडी है, सबसे बढ़िया होम रेमेडी है, वो है बटर मिल्क यानी कि छाछ, तक्र बोला जाता है जिसको आयुर्वेद में। बटर मिल्क का रेगुलर सेवन करना आचार्य चरक ने चरक संहिता में बताया हुआ है कि जो पाइल्स के पेशेंट रेगुलर बटर मिल्क का सेवन करते हैं 4 से 6 हफ्तों तक उन लोगों को पाइल्स का रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जिन लोगों को पेनफुल कंडीशन रहती है, जिनको पाइल्स की जगह पे कंटिन्यूस पेन रहता है, उन लोगों को वहां पे सीसम ऑयल यानी कि काले तिल का या नॉर्मल तिल का तेल जो है वो वहां पे अप्लाई करना है। तिल का तेल अप्लाई करने से जल्द ठीक हो जाता है। तो ये मैंने आपको रेमेडी के बारे में बताया। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि पाइल्स के रोगी के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन कौन सी काम कर सकती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में हरितकी पाइल्स की सबसे बेहतरीन दवा है। हरितकी को हम हरड़ या हरड़े भी कहते हैं। आयुर्वेद में हरितकी का बहुत ही ऊंचा और बहुत बड़ा स्थान है। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि यत्र गृहे माता न अस्ति तत्र गृहे हरितकी, जिसके घर में माता नहीं है उसके घर में हरितकी है। यानी कि हरड़े का सेवन करने से आप बहुत सारे रोग से निजात हासिल कर सकते हैं। हालांकि अगर हम पाइल्स की बात करें तो हरितकी को बटर मिल्क के साथ यानी कि छाछ के साथ मिक्स करके रात के समय पे सेवन करने से पाइल्स के रोगी अपने रोग से निजात हासिल कर सकते हैं। दूसरा उपयोग मैं आपको बताता हूं, हरड़े के यानी कि हरड़ के पाउडर को गुड़ के साथ मिक्स करके खाना खाने से पहले दिन में और रात में, दिन में 2 बार उसका सेवन करने से पाइल्स के रोगी पाइल्स से निजात हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों को पेनफुल पाइल्स रहते हैं उन लोगों को क्या करना है, एक बड़ा सा टब जो है पानी का भर के, उसमें गर्म पानी का बड़ा सा टब भरना है, उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिक्स करना है और कम से कम 20 मिनट उस बड़े से टब में पानी के बैठना है। उसकी वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा वो भी ठीक हो जाता है। पाइल्स, इंटरनल पाइल्स जो बाहर आ चुके हैं वो सिकुड़ के अंदर चले जाते हैं और पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसे सीड्स बात कहा जाता है। पाइल्स के पेशेंट्स को सीड्स बाथ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक और आयुर्वेदिक औषधि का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, द्राक्षासव। द्राक्षासव नाम की औषधि, ये आसव के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में आपको मार्केट में आयुर्वेदिक मेडिकल के स्टोर पे मिल जाएगी। इसका 15-15 ml यानी 3-3 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद 15-15 ml पानी के साथ मिक्स करके उसका सेवन करने से पाइल्स के रोगियों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। जिन लोगों को बहुत कब्ज रहती है उन लोगों को अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करना चाहिए। अविपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच रात को सोते वक्त गर्म गुनगुने पानी के साथ, अगर अविपत्तिकर ना लेना चाहे तो त्रिफला चूर्ण और इसबगुल दोनों को आधा आधा चम्मच मिक्स करके उसका इकट्ठा सेवन भी रात को सोते वक्त करने से पाइल्स के रोगियों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। अब आपको मैं कुछ डूज और डोंट्स बताना चाहता हूं कि पाइल्स के रोगी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या डूज आपको फॉलो करने हैं। पाइल्स के रोगी के लिए जौ खाना, सूरन खाना, आंवले का सेवन करना, बटर मिल्क, कुकुम्बर और परवल, इतनी चीजें लेना बहुत हितावह है।
पाइल्स के रोगी के लिए बकरी का दूध पीना बहुत हितावह माना जाता है। पाइल्स के रोगियों को कॉन्स्टिपेशन ना हो उसका हमेशा ध्यान रखना है। अपने खाने में लिक्विड डाइट का समावेश करना है, फाइबर रिच वेजिटेबल्स का समावेश अपने खाने में हमेशा करना है। उसके अलावा क्या डोंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पाइल्स के रोगी को क्या नहीं करना चाहिए, अब वो जान लेते हैं। पाइल्स के रोगी को बहुत लंबे समय तक घोड़े सवारी, कैमल राइडिंग, बाइक राइडिंग नहीं करना है। पाइल्स के रोगी को, जो पाइल्स के रोगी है उनको दोष बढ़ाने वाले, दोष एग्रीवेटेड फूड जैसे कि स्पाइसी, फिर करेला, ऐसी चीजें हमको नहीं खानी है। बहुत लेट नाइट तक नहीं जागना है, जल्दी सो जाना है। लेट नाइट तक जागने से कॉन्स्टिपेशन होता है और पाइल्स के रोगी के पाइल्स में इजाफा होता है। नेचुरल अर्जिस जैसे कि गैस है, मल मूत्र है, उसके वेग को हमें सप्रेस नहीं करना है, उसको रोक के नहीं रखना है, उससे पाइल्स का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। खाना जो है वो चबा चबा के खाना है, बहुत स्पीड में खाना खाने से अजीर्ण होता है और अजीर्ण की वजह से पाइल्स होता है। उसके अलावा मल्टीटास्किंग, खाना खाते खाते फोन रिसीव करना, बातें करना, ऐसे दूसरे काम साथ साथ में नहीं करने, खाना खाते वक्त खाने में अपने पूरे मन को लगा के खाना खाना है। ठंडी चीजें, स्वीट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और रिफाइंड फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये दोस्तों डूज एंड डोंट्स है कि जो पाइल्स के रोगी को नहीं करने हैं और जो चीजें करनी है। अब मैं आपको बता दूं आयुर्वेद की क्षार सूत्र ट्रीटमेंट जो है, क्षार सूत्र आयुर्वेद की एक बेहतरीन और प्राचीन चिकित्सा पद्धति है कि जिसमें पाइल्स जो होते हैं उस पे क्षार का क्षार सूत्र बांध के उसको निकाल दिया जाता है। उसके लिए आपको आयुर्वेद चिकित्सक का कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप पाइल्स की चिकित्सा आयुर्वेद के द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे दिए हुए हैं, इन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमसे बात करके अपने घर पे दवाई मंगवा सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पाइल्स की आयुर्वेद में बेहतरीन ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आपको पाइल्स की तकलीफ है आप आयुर्वेद के द्वार पे जरूर आ सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आपके कमेंट्स आप जरूर दें। अगर आप कोई नए वीडियो पे, दूसरी बात पे, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप जरूर से नीचे कमेंट करके बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।